हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल रेशमास किचन। अगर हमारे घर में सब्ज़ी नहीं है तो कैसे जुगाड़ लगाकर सब्ज़ी बनाई जाती है, ये मैं अपनी ओन रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं जुगाड़ू सब्ज़ी, प्याज की सब्ज़ी। चलिए, तो प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 प्याज ले लिए, ऐसे लंबे स्लाइस में काट कर। यहाँ पे मैंने 3 टमाटो छोटे छोटे ले लिए, ऐसे पीसेस में काट लिया है मैंने। 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 4 मैंने ग्रीन चिल्ली लिया है, लंबे स्लाइस में काटा है। यहाँ मैंने ले लिया है अदरक, वो भी लंबे लंबे स्लाइस में मैंने काटा है। यहाँ मैं लेती हूँ कड़ी पत्ता, ये मैंने 2 चम्मच दही का लिया है, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर मैंने इसे इस तरीके से ले लिया है। और जब मैं दही यूज़ कर रही हूँ तो मैं मेथी भी यूज़ करूँगी। अगर हम इसमें दही नहीं डालेंगे तो आपको मेथी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिया है मिर्ची पाउडर, धनिया मैंने काट कर लिया है, हल्दी लिया है, ज़ीरा, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर हम ले लेंगे। तो चलिए बनाते हैं प्याज की सब्ज़ी। सबसे पहले प्याज की सब्ज़ी बनाने से पहले हम जो ये दही को पानी में मिलाया था उसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो गुठली कुछ ना बने, लम्स ना बने। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गैस का फ्लेम मैंने चालू कर दिया है और पैन रखकर उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। हमारे पास जब भी कोई सब्जी ना हो तो हम इस तरीके से ये सब्जी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें मेथी डाल दूंगी क्योंकि मैं दही यूज़ कर रही हूँ, तो दही जल्दी खट्टी होती है, कभी कभी नुकसान देती है, तो मेथी डालने से वो नुकसान नहीं होता है। देखिए मेथी पक गई है, उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, ज़ीरा, अदरक जो हमने स्लाइस में काट के रखे थे, ग्रीन मिर्ची, आप चाहिए तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो अच्छे से पकाना है। इसमें हींग भी डालना है, अभी मेरे पास हींग नहीं है इसलिए नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो हींग भी डाल दीजिए। जब अच्छे से अदरक मिर्ची और कड़ी पत्ता सीख जाए इसमें अब हम तेल में ही हल्दी को पका देंगे। अब इसमें मैं सब ऑनियन जो काट के रखा था प्याज वो डाल देती हूँ। हम प्याज की सब्जी बना रहे हैं इसलिए प्याज की क्वांटिटी थोड़ा हमने ज़्यादा रखी है। प्याज को अच्छे से ऑयल में फ्राई होने देना है। थोड़ा गैस का फ्लेम फास्ट रखकर ही हमें इसको फ्राई करना है, एकदम ही गोल्डन नहीं करना है, हल्का सी गोल्डन हो जाए उतना ही करना है। ऑनियन थोड़ा जल्दी पक जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, कम ही डालिए क्योंकि ऑनियन पकने के बाद और कम हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नमक इसमें ज़्यादा हो जाए।
इसे और ज़रा पकने देना है। देखिए 5 से 7 मिनट लगे मुझे फास्ट फ्लेम पे इतना इसको पकाने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब प्याज मीठी होती है इसलिए आप चाहिए तो इसमें मिर्ची पाउडर ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी और थोड़ी खट्टी ऐसी बनने वाली है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो जो कि हमने काट के रखे थे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें टमाटर को गलने के लिए छोड़ देना है। इसका लेड हम बंद कर रखते हैं। तो चलिए देखते हैं टमाटर गल गया है अच्छे से। टमाटो भी गल गया है और ओनियन भी और अच्छे से पक गया है। अगर इसी तरह से आपको सूखी सब्जी खानी है तो इसमें थोड़ा सी पानी डाल के भी आप खा सकते हैं और थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देना। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो घोल कर रखा था बेसन और दही। मैं इसमें धीरे धीरे से डालकर मिक्स करूँगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो सिर्फ बेसन भी डाल सकते हो। बेसन डालकर अच्छे से जल्दी जल्दी इसे घुमाना है और थोड़ा सी गर्म पानी ऐड कर देना है। तो उससे क्या होगा, सिर्फ बेसन का गाढ़ापन जो रहेगा वो सब्जी में आ जाएगा। और आपके पास बेसन नहीं है सिर्फ दही है तो दही का क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा ले लेना और उसे थोड़ा गाढ़ा रहेगा जब डालना। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करेंगे। पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें बेसन डाला हुआ है तो वो एकदम ही गाढ़ा हो जाएगा। पानी डालकर उस बेसन को भी हम अच्छे से पकने देंगे। इसे और 1/2 ग्लास पानी मैं डाल देती हूँ। बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो और मैं पानी ऐड करूँगी, पहले से मैं इतना ही पका देती हूँ। चलिए इसे अब पकने देते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने मीडियम फ्लेम पे ये रखा था पकने के लिए, तो ये गाढ़ा हो गया है। इसमें मुझे और 1/2 ग्लास पानी लगेगा तो 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। नमक हमने बहुत कम डाला था तो नमक भी इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सी। अभी भी आपको अपने हिसाब से नमक डालना है। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। सब्जी मसाला नहीं डालना है इसमें, गरम मसाला पाउडर डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो इसे जितना पकाएंगे उतना ये गाढ़ा होएगा और ठंडा होने पर और गाढ़ा होगा। तो इसलिए इसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रखना ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। चलिए इससे फाइनल मैं बंद करके पका दूंगी 5 मिनट के लिए। तो देखिए ये सब्जी हो गई है। हमने इसमें थोड़ा पानी डाला तो वो भी रेडी हो गया है। बस इतनी ही हमें रखना है क्योंकि ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाएगी। इसमें जो तेल जो हमने डाला था वो भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है।
तो हमारी ये सब्जी हो गई है। जब भी हमारे किचन में कोई सब्जी नहीं होती है तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैंने भी ये जुगाड़ किया है प्याज की सब्जी के साथ। तो कैसी लगी आप हमें एक बार बनाकर देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा जुगाड़ कैसा लगा आपको। चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो ये मेरी सब्जी रेडी है। इसे आप चावल के साथ खाइए, पराठा बनाकर खाइए, कैसे भी खाइए, आपको ये सब्जी अच्छी लगेगी। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ा सी धनिया। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।